और 10 मिनट में आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर ये जो आज का महाअभिषेक है शनिदेव का उसके बारे में समझा के फिर हम लोग अभिषेक करेंगे। प्रसाद वितरण बाहर भी खिचड़ी बांटी जा रही है, हर महोत्सव बांटती है, तो उससे बहुत से लोग सहयोग भी करते हैं। गुरु जी हमारी तरफ से ये जो जिसकी भावना हो, आश्रम चलते हैं दुनिया के परिश्रम से। आश्रम शब्द की व्याख्या क्या होती है? आश्रम, आ करके कुछ ना कुछ श्रम करो, श्रमदान करो। तो श्रमदान में बहुत कुछ आता है, समय भी, भावना भी, अच्छे वचन भी, और मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा योगदान होता है उनका जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कमेंट पास करते हैं, क्योंकि आदमी को पक्का बनाते हैं शत्रुओं के प्रहार, कमेंट्स। तो चले हम लोग अब क्या करेंगे, किस लिए पैदा हैं धरती पर हम? मुस्कराने के लिए। भूलना मत, आप अपने बच्चे को जो भी आपसे पैदा होता है उसको देख आप कितना मुस्कराते हो, नहीं मुस्कराते? अरे हाँ हूँ तो करिए, कितने बेचारे तो मुंह पर ताला लगा चलते हैं घर से कि हम तो ना हिलेंगे ना डोलेंगे ना बोलेंगे ना हंसेंगे। तो जब कुछ करना ही नहीं तो फिर घर से यहाँ तक काहे को आए हैं? तो इन लोग को पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, बीवी दे दो, घर बंगला, उनको हंसना ही मुस्कराना नहीं है। तो लक्ष्मी बोलते हैं इनको दे के फ़ायदा क्या है? तो अपना हाथ धीरे धीरे खींच लेती होगी ऐसा मैं मानता, मैं कहूँगा नहीं वो क्या करती है। बोलो बगला भाई जी, लेकिन सब कुछ जो स्थिर रखती है, चेहरे की मुस्कान स्थिर रखती है, जो लक्ष्मी स्थिर रखती है, जो आपका आसन भी स्थिर रखती है, मन मस्तिष्क दिमाग सब कुछ जो स्थिर रखे, उस शक्ति का नाम है स्थिर महाविद्या बगलामुखी। भूलना मत, बगलामुखी का नाम क्या है? स्थिर महाविद्या, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, नो मूवमेंट। इस ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें हैं सब अपनी जगह स्थिर हैं, कोई उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, सबको स्थिर करने की देवी भगवती बगलामुखी। आप उसके धाम में बैठे हो, उसके आप आंचल के तले बैठे हो, उसकी छत्र छाया में बैठे हो, ये आपका जीवन का सौभाग्य है कि वो आपकी माँ है तो हमारी भी माँ। अब जिसे विश्वास है तो उसकी माँ है, नहीं विश्वास है तो भगवान होता ही नहीं। चलिए हम लोग शनिदेव के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की, पहले प्रणाम कर लीजिए कि हे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के सभी सदु साधु संत महात्मा योगी, ईश्वर के सभी अवतार सभी शक्तियाँ, आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम इस शनि जयंती के महान अवसर पर भगवान शनिदेव के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकें और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकें। पहले मना लेना चाहिए, चलिए गुरु को याद करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत साल पहले शनिदेव की साधना करते 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 जब धीरे धीरे एहसास होने लगा तो ध्यान में, सपने में या अनेक और प्रकार भी हैं, कुछ संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तो शनिदेव को मैंने पीले वस्त्रों में अपने सामने प्रकट महसूस किया। कौन से वस्त्रों में? पीले। पर किताबों में पीला वस्त्र शनि का नहीं लिखा हुआ है कहीं, किताबों में तो उनका सब नीला या काला यही सब लिखा हुआ है। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं कहीं गलत साधना कर रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उस भ्रम को टूटने में मुझे लगभग 6 महीने लगे। तो एक दिन शनिदेव ने कहा कि मैं पीले कपड़ों में ही प्रकट हूँ क्योंकि मैं गुरु रूप में प्रकट हूँ और गुरु का कलर तो पीला ही होता है। बृहस्पति, भगवान विष्णु, बगला माई, और दूसरा उन्होंने कहा कि भविष्य में, बताया नहीं क्लियरली, कोई ऐसी शक्ति स्थापित होगी जो पीले वाली ये सब कुछ होगी। और तब तो मैं बिजनेसमैन था पक्का,
मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे कभी गुरु बनना है, कभी कोई आश्रम बनाना है, सब कोई मन में था ही नहीं। ईश्वर की इच्छा, जो करा ले। तो प्रथम बार पीले वस्त्रों में शनिदेव का जब प्रकटीकरण मुझे महसूस हुआ, और धीरे धीरे जब उन्होंने कहा कि मैं गुरु रूप में प्रकट हूँ, ज्ञान देना मेरा काम है, तो बहुत कुछ शनि के बारे में सीखता चला गया। जब मैं अपने गुरु जी के पास साधना करता था तो उन दिनों मुझे ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं इतना मानता भी नहीं था ग्रहों को, रत्नों को, ये सब। लेकिन जब आया दुनियादारी के चपेटे में, और जब ज्ञान के लिए भगवान ने पक्का कराना शुरू किया मुझे कि भाई पक्के बनो तब तो ज्ञान दोगे ना। एक ज्ञान होता पोथी पढ़ के आके पढ़ के सुना जाओ, जैसे भागवत कथा एक है कि नित्य नवीन ही बोलना है, तो वहाँ पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं चलता है, अनुभूत ज्ञान चलता है। या ऐसा कोई ज्ञान का सोर्स हो जहाँ से आप धारा प्रवाह बोल सको। तो उस श्रृंखला में नवग्रह भी समझ में आने लगे, खास करके शनि भी समझ में आने लगे। तो शनिदेव के बारे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं संक्षेप में कुछ बातें बता देता हूँ। शनिदेव का एक कथन है कि जिस व्यक्ति को भगवान बहुत महान बनाना चाहते हैं, या जिस व्यक्ति को भगवान ठान लेता है कि इसको महान बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो उसको बड़ी कठोर परीक्षाओं में डालना शुरू कर देते हैं। आप समझे कि नहीं क्या कहा गया? जिस व्यक्ति को बहुत महान बनाना भगवान ठानते हैं उसको कहाँ डाल देते हैं? बहुत कठोर पर, छोटी मोटी परीक्षा भी नहीं। और ऐसे में खाली आपको एक दो उदाहरण बता के छोड़ दे रहा हूँ। प्रहलाद नाम जानते हो, तो उसकी परीक्षा कठोर हुई कि एकदम साधारण हुई? आपको छोटा सा झटका लग जाता है ना तो आप क्या बोलते हो? आप पूजा पाठ बंद, कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, हटाओ फेंको, और ये नहीं धर्म ही बदल लो, अब हिंदू धर्म के दम ही नहीं है, कुछ और बन जाते हैं। तुम कुछ भी बन जाओ, रहोगे तो ईश्वर के घेरे में, घेरे से बाहर हो जाओगे, बाहर तो नहीं जा सकते। तो कठोर परीक्षा किसके लिए जाती है? और आप लोग महान बनना चाहते हो कि नहीं? आवाज लोगों की नहीं आ रही है, मालूम क्यों नहीं आ रही पता है? परीक्षा के डर से। अरे मिलिट्री में जाओगे तो सामान्य टेस्टिंग होगी कि कठिन टेस्टिंग होगी? सामान्य से तो नहीं काम चलेगा। IAS बनोगे, PCS बनोगे, अब मान लो प्रधानमंत्री बनना चाहो तो आजकल कितनी टेस्टिंग हो रही है मोदी जी की भी सबकी, तो भाई तो कठोर तो गुजारेंगे भगवान। तो एक उदाहरण हमने आपको किसका दिया? प्रहलाद का। अब दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आज कई व्यक्ति आए मुझसे पूछे, गुरु जी शनि हमारे पर है कि नहीं, हम कैसे जाने? आपकी कुंडली है नहीं है, कुंडली में जाना है नहीं जाना है, पंडित जी को दक्षिणा लेके देखेंगे तो आप देने वाले तो नहीं, आप पहुँचे फ्री में चाहिए। और जो हर चीज़ जो फ्री में ढूंढता है उसको भगवान जल्दी कुछ देता नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ भी वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है, कुछ ले और कुछ दे। अब आप बोलो भगवान को क्या कमी है, उनको क्या चाहिए? भगवान को भी कमी है। क्या कमी है? भगवान को आपके चेहरे की मुस्कान चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो भगवान के अपने पास नहीं है। इसलिए भगवान ने दुनिया बना दी कि कोई तो मुझे देख के मुस्कराए। अकेला व्यक्ति जब शादी नहीं होती तो उसको जीवन में कोई आनंद नहीं रहा, बोलता क्या है यार, कहीं तो घर बस जाता, बस भी किया कुछ ना, एक बच्चा हो जाता तो यार किलकारी तो गूंजती घर में। तो ऐसे भगवान भी चाहता है। और जब आपको बच्चा होता था आप उसको देख के बड़े प्रसन्न होते हो, तो भगवान ने जब हम लोगों को बनाया तो हमको देख के बड़े प्रसन्न हुए। और आप बच्चे को घंटों खिलाते हो, हंस दे और हंसता ही नहीं, लेकिन जरा सा भी अगर उसने मुस्कान कर दी, हाँ हाँ देखो हंसा, देखो हंसा, तो जब आप ही थोड़ा सा मुस्करा देते हो भगवान को लगता है वाह कुछ तो हमने किया, मुस्कराया तो सही, लेकिन आप लोग भी ठाने हो कि नहीं मुस्कराएंगे और उल्टा दोषारोपण करेंगे कि भगवान आपके सृष्टि में न्याय नहीं है, आप हमको दुख दे रहे हो, ऐसा है नहीं। तो खैर शनिदेव के
उदाहरण में प्रहलाद का उदाहरण आपको आ गया। दूसरा उदाहरण भगवान श्री राजा रामचंद्र जी, क्योंकि शनि होंगे तो हनुमान जरूर याद किए जाएंगे। एक दिन हमने कहा हनुमान जी शनिवार के दिन आपकी पूजा क्यों होती है, आप तो मंगलवार वाले हो तो आपकी पूजा शनिवार को तो नहीं होनी चाहिए ना टेक्निकली। उन्होंने कहा देखो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो छोड़ो, लोगों को ये डर है कि शनि तो हमको सताएंगे, और दूसरा दूसरे लोगों को मन में ये विश्वास है कि शनि सताएंगे जरूर तो उनसे बचाएंगे केवल और केवल संकट मोचन हनुमान। इसलिए मुझे उनके डर से लोग लड्डू बूंदी प्रसाद चढ़ाने लगे। किसके डर से? शनि के डर से। अब अगर आप हनुमान जी को चढ़ा के कुछ भी करके प्रसन्न करते हो तो कुछ तो शनिदेव को अनुकूल होना ही पड़ेगा। ये सच है कि हनुमान जी ने शनि को दबा रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये भी विचार करना चाहिए, उन्होंने दबाया तो किस लिए दबाया, किस हेतु दबाया? तो जितनी उनकी शक्तियाँ जो उन्होंने राम के लिए लगा दी या उन्होंने अपनी सारी शक्ति सीता माता को उद्धार के लिए लगा दी, क्या हनुमान जी उतनी सारी शक्ति आपके आपके परिवार को उद्धार के लिए लगा देंगे? ये प्रश्न है कि नहीं है? गुरु के पास जाओगे प्रश्न खड़ा करेगा, आपको मजबूर करेगा कि सोचो। और कथाओं में क्या, आप सोचो मत, ढोल बज रहा आप भी नाचो, खत्म बात, ढोल बंद आप भी घर, सोचने का हमारा टॉपिक नहीं है। और गुरु सोचने पर विवश कर देगा, और गुरु केवल वह हो सकता है कि जिसकी वाणी जिंदगी में कभी भूले ही नहीं, यार गुरु जी ने ये कहा था इसका उत्तर क्या हो सकता है, मिला या उत्तर नहीं मिला। क्यों? गुरु वहाँ जहाँ शिष्य है, शिष्य मतलब सीखने की इच्छा, और जहाँ सीखने की इच्छा नहीं है वहाँ खाली कर्मकांड है, वहाँ दिखावा, वहाँ घंटी बजाओ, तेल चढ़ाओ, मनोती मानो, घर जाओ। और अपने अहंकार कौन मजबूत करो कि मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपने अहंकार को बढ़ाते जाओ। और शनिदेव क्या करते हैं? अहंकार को चूर चूर करते हैं। तो रामचंद्र जी का आज मैंने उदाहरण दिया था, कई लोग आए कि गुरु जी ये कैसे पहचाने कि शनि है कि नहीं, लक्षण क्या है? आप समझ लेना, राम जी को सुबह राजा बनना था, फैसला हो गया भाई राम अब राजा बन जाएंगे, रात में पॉलिटिक्स पूरी बदल गई। जैसे अभी कर्नाटक में देखो क्या क्या हो रहा है, क्या होएगा वो अलग विषय है। तो सुबह सुबह राम को कहाँ जाना पड़ गया, जोर से बोलिए, साथ में किसको जाना पड़ा? और सीता के साथ में और किसको जाना पड़ा? और लक्ष्मण गए तो उनकी पत्नी का क्या हुआ, वो भी तो दुखी हुई। और जब भरत शत्रुघ्न आए तो वो भी राज पे तो नहीं बैठे, वो भी बोले हम भी गांव के बाहर जा रहे हैं सर। अब बाद में पिताजी का क्या हुआ, तो सारी माताओं का क्या हुआ, विचार करना, शनि का प्रभाव बता रहा हूं आपको। घर से बेघर, राइट आपका जो भी ओरिजिनल मकान होगा वहां पर रह नहीं पाओगे चेंज। हाथ में भीख का कटोरा, राम राजा के लड़के नदी पार करने गए तो उनके पास नदी खिवाई देने कोई पैसा नहीं है। अब वहां ये नहीं बोल सकते कि ना उस पार करने तो बाण मारता हूं, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तो लोग कुछ भी वसूल लेंगे, नहीं सुनता ये देख राम राम है, ऐसा नहीं कह ही नहीं सकते कुछ। वो बोल रहे भैया कुछ भी कर पार कर, अब राम को पता है बिना दिए तो नहीं पार हो सकते। तो सीता से बोलते अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब एक अंगूठी तेरे हाथ में है सीता तो दे दे इसको, मतलब आपके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह जाए, समझे कि नहीं? घरवाली के पास, मर्दों के पास तो रहता नहीं जल्दी। तो आप शनि को समझ रहे हो कि नहीं, कि नहीं समझ रहे? विक्रमादित्य का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, नल दमयंती का उदाहरण पढ़ा होगा, उदाहरण तो शनिदेव के बहुत हैं। तो एक प्रथम परिचय कि आपको घर से बेघर कर दे। और जब रावण सीता को लेकर चला जाता है
तो सीता को लेके जाने का तात्पर्य ये नहीं कि वो वास्तविक सीता गई, आपका मान सम्मान, आपका, हर व्यक्ति राम है, हर व्यक्ति रावण है, कोई अलग नहीं है दोनों। कोई देवता, कोई असुर, कोई ईश्वर, आसुरी या देवी शक्तियाँ आपसे अलग नहीं, सब आपके अंदर आत्मसात हैं। कौन सी कब भारी पड़ जाए पर वो नहीं पता चलता है। तो जब सीता गायब होती हैं तो अयोध्या की कोई सेना काम आई बोलो? और जब पता चल गया तब भी अयोध्या की सेना आई काम? भरत लक्ष्मण तो, ये भरत शत्रुघ्न अपनी सेना लेके तो नहीं गए कि लेके गए? द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो कोई काम आया? सब थे ना, एक से एक महापति थे, देवर थे, गुरु लोग थे, आचार्य, गुरु तो नहीं थे, सब आचार्य थे, गुरु तो कोई था ही नहीं उसमें, क्योंकि आप गुरु द्रोण नहीं कहते, आचार्य द्रोण कह जाते हैं। गुरु गुरु होता है, गुरु होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रभाव रहेगा ऐसी स्थिति आती ही नहीं। आचार्यों की बात अलग है, क्यों? आचार्य एक विशेष चीज की शिक्षा देते हैं, गुरु ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो खैर, राम के काम अयोध्या की कोई चीज़ नहीं आई, और उन्हें मिले कौन वहाँ पे? बंदर लोग। वास्तव में बंदर नहीं थे, वानर एक जाति है जो जंगलों में रहती है, मनुष्य होते, क्योंकि बंदर मनुष्य की तुलना में युद्ध नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते, वो तो लोगों ने पीछे पूंछ लगा दी कल्पना कर करके। तो जो अशिक्षित ब्रांड है जंगली, जिनको आप कुछ भी बोलो, वो सब किसको मिल गए? राम को। उनकी टीम बना करके रावण जैसे धुरंधर योद्धा पर विजय पाना साधारण काम तो नहीं है, लेकिन राम राम है, वही हनुमान भी हैं। और हनुमान को पता है कि जब तक ये शनि को मैं नहीं दबा दूंगा, हम लोगों की विजय निश्चित नहीं है, याद रखना। तो हनुमान ने अपना जो करना था किया, लेकिन भेजा किसने? शनि ने। मगर अगर शनिदेव मेहरबान नहीं होते, राम बाहर नहीं जाते, सीता बाहर नहीं जाती, सीता हरण नहीं होता, मंथरा कह के ही काम नहीं करते, तो राम को आज कोई जानता? ऐसी राजा बन के पैदा होकर मर गए होते। ऐसे बहुत से लोग हैं फाइव स्टार होटल में लग्जरी में जी के मर जाएंगे, उनको भविष्य में थोड़ी कोई पूछेगा। भविष्य में कौन पूछा जाता है? जो कुछ कर गया धरती पर महान से महानतम, उसकी पूजा होती है, उसको लोग याद करते हैं। टाटा बिरला भविष्य में नहीं पूछे जा सकते, चाहे कितने धनवान हो, लेकिन गुरु लोग पूजे ही जाएंगे। तो वो महानता जो पूजन शरीर छोड़ने के बाद भी इतिहास में अजर अमर बना देता है, कौन करता है? केवल और केवल शरीर। लेकिन उनकी परीक्षा में पास हो जाना चाहिए, घबराना नहीं। जब मुसीबतें आवे तो मनाइए, हे भगवान आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी परीक्षा तो ले रहे हो ना। और परीक्षा किसकी होती है? धर्म की। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, मैं इतना समय नहीं है, तो उसमें धैर्य भी है, सत्य बहुत कुछ है। तो शनिदेव, और तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण जो शनिदेव ने महान बनाया, भगवान श्री गणेश। गणेश जी को पथड़े पर ही किसकी कृपा से गर्दन कट गई? आपने कहानी पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी हो तो शनिदेव की किताब आज आपको अवश्य ले लेनी चाहिए, और कम से कम 8 किताब लेनी चाहिए, 8 लोगों को दान देना चाहिए शनि किताब देना चाहिए। आप देना दे आपका अपना कर सकते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान अंदर भी बढ़ता है। तो शनिदेव दृष्टि पड़ी, गणेश जी का गर्दन कट गई। तो मैंने जब गणेश जी को भी एक दिन ध्यान किया तो मैंने बोला प्रभु ये शनि आप पर भारी हो गए। बोले भारी थोड़ी हुए, ये तो सोचने का दृष्टिकोण है। अरे अगर शनि हम पर कृपा नहीं करते तो मेरी गर्दन कटती नहीं, कटती नहीं तो मुझे हाथी का ये सब लगता नहीं, और ये लगता नहीं तो मैं सबसे अलग होता नहीं, और जब ये हुआ तो मेरी माँ ने भी चमत्कार कर दिया, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता मुझे आकर आशीर्वाद देके गए। 2 ही ऐसे देवता मुझे जानकारी में जिनको सबने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी को और गणेश जी को। इन दोनों को हर देवता ने आशीर्वाद दिया ही दिया, और तीसरी एक है दुर्गा माता, जब वो प्रकट हुई तब उसको सबने अपना अपना सब दे दिया, किसी ने अपना अस्त्र दिया, किसी ने शस्त्र दिया, किसी ने सिर दिया, किसी साड़ी दिया, ये लोग अपना कुछ किए ही नहीं। बाकी अन्य उदाहरण में ये नॉलेज बहुत कम है।
तो गणेश जी भी शनिदेव प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा से महान बने। हनुमान जी भी शनि को प्रणाम करते हैं कि भले हमने दबाया, वो युद्ध है, वो जीवन है, एक सिस्टम है, लेकिन मैं शनि को प्रणाम करता हूँ। शनि ही आध्यात्मिक कारक देवता हैं। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी ईश्वर से प्राप्त कराने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है ज्योतिष में भी, तो आध्यात्मिक देवता कौन है? कारक शनि है। आत्मा का मेन कारक, आत्मा सूर्य को कहा जाता है, प्राण, और उसके सूर्य के सामने सबसे बड़ी बाधा जो खड़ा करता है उसका नाम है शनि। सूर्य मतलब टोटल प्रकाश, शनि मतलब अमावस्या, टोटल डार्कनेस। याद रखना, विरोधाभास। इसीलिए ज्योतिषी कहते हैं कि अरे इनमें बैर बैर और कुछ नहीं, बाप बेटे बड़े प्रेम से रहते हैं, पागल नहीं, बुद्धू नहीं है, वो दुश्मनी करें। ये तो समझाने के लिए लोग उदाहरण दे देते हैं, भाई आग और पानी में बैर है कि नहीं है, बोलिए। लेकिन क्या दोनों ही दूसरे दुश्मन है? ऐसा तो नहीं है। आपको लगे दोनों में बैर, ऐसा बैर बैर कहीं नहीं है। तो ये शनि के बारे में हमने आपको थोड़े से संकेत दिए। अब शनिदेव का क्या कथन है कि दंड अगर नहीं दिया जाए तो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, फिर व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नकार देता है, व्यक्ति स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, और जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, ईश्वर कहने लगता है, धीरे धीरे शनि उसको उसके औकात का परिचय करवा देते हैं। हर व्यक्ति को उसका आईना दिखा देना किसका काम है? शनि का। तो दूसरे कहने कुछ नहीं होता, वो इतना विवश कर देगा कि आप अपने आप जान जाओ, अरे भगवान अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिंदगी में ऐसी स्थिति भगवान ला देते हैं। अब रहा कि क्या हम शनि को, ये जो विधियाँ हम करते हैं या जो ज्योतिषी लोग कहते हैं, 7.5 अढ़ैया 19 साल, ये कर दो, तेल चढ़ा दो, उड़द चढ़ा दो, काला कपड़ा चढ़ा दो, तो क्या हम लोग ये सब कर करा के शनि के कोप से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं? ये प्रश्न है, ये शनिदेव का उत्तर मैं देता हूँ। आपको क्या लगता है, ये सब करके शनि एकदम प्रसन्न हो जाएंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। तो अब ये विचार करो, क्या करके एकदम प्रसन्न हो जाएंगे? शनिदेव का कथन बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई पिता है, माता है, उनके बच्चे हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या उनके स्टाफ है, और वो सब खुरापात कर रहा है, और उनको पता है कि बड़ा खुरापाती है, बहुत गलत है, फिर भी बड़ी चमचागिरी करता है, मम्मी तुम ही हो, पापा तुम ही हो, गुरुजी आप ही हो, या हे बॉस जो भी आप ही हो, बस मैं आप ही कहूँ। लेकिन उसको बॉस को मालूम है कि माँ खुरापाती बहुत गलत है, भ्रष्ट है, बेविचारी है, खुरापाती है, चरित्रहीन है, चोर है, लफंगा है, उचक्का, जो कुछ है सब जान रहा है। लेकिन चेहरे पर आप कैसा पेश करते हो? हाँ आप ही हो, आप ही हो, मीठा 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 मीठा। तो जब कभी लाइफ में ऐसा समय आएगा कि उसको कुछ देना हो, तो आप उसकी खाली तारीफ वाला फैक्टर देखोगे, सारा फैक्टर देखोगे? बताइए, सारा फैक्टर देखोगे कि नहीं देखोगे, कि खाली तारीफ देखोगे? तो शनि देव भी न्याय इसी तरह से करते हैं। जैसे एक जज हर पक्ष देखता है, लेकिन जज की मजबूरी है कि वो गवाहों के आधार पर चलता है, शनि कैसे कोई मजबूरी नहीं है, उनसे कुछ छिपा ही नहीं है, तो गवाह गवाही नहीं पूछते वो, क्योंकि शनि या कोई भी ग्रह आपके अंदर ही बैठा हर क्रियाकलाप को देखता रहता है। ईश्वर की दो आँखें कहाँ कहाँ रहती हैं? जितनी आँखें हैं उन आँखों की ज्योति को क्या कहा जाता है? सूर्य। समझे कि नहीं? तीन ज्योतियाँ मानी जाती हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि। तो सूर्य अगर नहीं है तो आँख से देख नहीं सकता, अंधेरे में आप नहीं देख सकते कुछ भी, लेकिन शनि तो ऐसा कर देता, देखने देगा नहीं, गलतियाँ करवा देगा। पर शनि गलती नहीं करवाते,
तुम्हारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देने के लिए शनि को तुमसे गलती करवानी पड़ती है। गलती नहीं करोगे सजा पाओगे नहीं, तो शनि का तो उसमें कोई दोष है नहीं। तो जो व्यवहार आप अपने किसी व्यक्ति के साथ करेंगे वही व्यवहार शनि देव हों या कोई भी दंडाधिकारी देवता हो, नौ ग्रहों को दंड का अधिकारी माना जाता है, मजिस्ट्रेट्स, न्यायमंडल के व्यवस्था कारक, ईश्वरी न्याय। भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर ले और शिव बन जाए, एक महामंत्र होता है ना, शिवो हम शिवो मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ, तो कहने से तो आप शिव नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप बोलो मैं राजा हूँ मैं राजा, तो राजा हो गए क्या? खाने घर में कुछ नहीं, चवन्नी नहीं, एक मेहमान आ जाए तो उसको भी पेट नहीं भरे, फिर भी आप हम राजा हैं? कौन से राजा भाई, काहे को धोखे में हो। तो जो शिव हम मंत्र का जप करते करते सचमुच शिव बन जाए, तो सचमुच शिव बनने का प्रमाण क्या है? क्योंकि शिव भक्त होगा, शिव का प्रिय होगा, तो उसको कोई ग्रह नहीं सता सकता, क्योंकि हनुमान जी तो शिव के ही अंश है ना, वहां कौन सा ग्रह सताएगा? शनि को तो दबाई दिया, और सूर्य जिनके गुरु हैं, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो अब हनुमान जी कौन सताएगा? और राहु को तो बचपन में झपट लिया, तो बचा कौन? बृहस्पति उनके मित्र हैं, विष्णु हैं, राम के तो भक्ति हैं, तो इस हनुमान के पीछे क्वालिटीज हैं, इसलिए ऐसा है। आपके पीछे कौन से देवता कौन सी क्वालिटी चल रही है? आपको लगता है कि आप किसी भी देवता के वास्तविक भक्त हैं कि नहीं, विचार करना पड़ता है। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, देवम भूतवा देवम यजेत, किसी भी देवता को पसंद करने के लिए उस देवता के समान स्वयं को बनना पड़ता है, स्वयं को बनना पड़ता है। वो नकली नहीं कि तुलसी की माला डालो और तुलसी का पानी पी लो और चरणामृत पी लो। अब चरणामृत भी कितना पाखंड है, गुरु गीता में लिखा कि भाई गुरु के चरणोदक पान से, मतलब पान धो के जो जल हो उसके पान में उसको पीने से सब पाप कट जाए। अब लोग गुरु जी जरा पैर आगे करी धो के पी लें, अरे ये माँ पाप क्यों कर रहा है भाई, ये तो नॉन हाइजीनिक है, पान धो के पीने कहाँ बताया गया भाई? गुरु का मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान को गुरु का चरण कहा जाता है, तस्य सेवनात्, उस ज्ञान के सेवन से। पर लोगों ने वो तो इतना दिमाग लगाया नहीं, वो भी नहीं लगे। अब गुरु गीता में कहा गया उच्चिष्ट सेवनात्, गुरु का उच्चिष्ट माने जूठा, लोगों ने क्या अर्थ लगा लिया, गुरु जी बड़ा खीर कटोरा लाओ आप उसको थोड़ा मुंह से जूठा दो तो हम लोग प्रसाद बांट लें, ये क्या है, ये धर्म है, ये पाखंड है, और ऐसा खूब होता है, मैं तो बचपन से देखता रहा, ये तो नहीं है। गुरु के ओठों को छू के जो ज्ञान निकल रहा है वह उच्चिष्ट सेवनात है, उसके सेवन से, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से, उसके अनुरूप आचरण करने से तब कल्याण होता है। और गुरु एक ऐसा ग्रह है अगर वो प्रसन्न है तो भी सारे ग्रह पीछे हट जाते हैं। ब्रह्मा भी गुरु हैं, विष्णु भी गुरु हैं, शिव भी गुरु हैं, ये सब गुरु हैं। बगला तो गुरुओं के गुरु है, और गणपति गुरु पाखंड भंजना है ना, उनका एक नाम है, एक शास्त्र नाम है, गुरुओं के पाखंड को तोड़ने वाला कौन है? गणेश। और ऐसा विघ्न खड़ा कर देते हैं गुरुओं के जीवन में, गुरु कहीं की नहीं रह जाते, तो सबसे बचना चाहिए। और शिव बनने का प्रथम सूत्र बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। शिव को कभी भी काम वासना नहीं सता सकती, कामदेव को उन्होंने जला दिया, और मनुष्यों के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसको काम वासना 24 घंटा न सताती हो। जहाँ भी उनकी नज़र पड़ी उनको काम वासना सताएगी सताएगी, कुछ उन्हें सपने में सता देगी। जब तक हम उससे नहीं ऊपर उठ जाते हम शिव नहीं बन सकते। दूसरा शिव का लक्षण, जो शरण में आया उसको अभय दे दिया, ये नहीं देखा कि भस्मासुर मेरा क्या करेगा। तो गुरु भी कभी नहीं देखता कि ये क्या करेगा, जो करेगा करेगा। और एक गुरु एक ऐसी सत्ता जिसको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा कहा जाता है, वही एक ऐसी सत्ता है जहाँ तीनों देवता एक साथ कार्य करते हैं, इसीलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे।
तो जिस व्यक्ति के जीवन में इस ज्ञान का उदय होने लगता है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ये नहीं होता कोई शरीर गुरु हो जाता है, पर सारा परब्रह्म का ज्ञान उसके माध्यम से ही चलता है, इसलिए गुरु का शरीर पूजनीय वंदनीय होता है। पर शरीर गुरु हो ही नहीं सकता। अब लोगों को क्या है, मूर्ति में ज़्यादा भरोसा है, ये बगला में भला कर, हे बगला में भला कर, बगला में मुँह से तो बोले कि नहीं, तो घर से आज गलत क्या करके आया था। अब मेरे पास है, बोलो देख तूने ये गलती की है, बोले कि ये गुरु जी तो जान जाते, इनके पास नहीं जाना चाहिए। फिर भी लोग आते, गुरु जी आप तो अंतर्जामी हो, सब जानते हो। मैं भी मुस्कराता हूँ, अरे मैं अंतर्जामी हूँ नहीं, तुम तो अपने अंतर का तो तुम ही जान रहे हो ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कितना इंटरेस्टिंग टॉक है, आते हैं लोग, गुरु जी आप तो सब जानते हो। मैं पूछता, अरे क्या है पूछना पूछना, आप तो अंतर्जामी हो गुरु जी। मैं हंसता हूँ, क्या तू अंतर्जामी नहीं है क्या, तो अपने अंदर का तू जानेगा कि मैं जानूँगा, कौन जानेगा बताओ। और मैं तुम्हारे अंदर जानना क्यों चाहूँ। तुम आ गए ढोंगी जैसे, गुरु जी आपका भक्त हूँ, आपका शरण हूँ, अरे बगला माई के लिए मैं क्या नहीं करूँगा। अरे भाई मुझे क्यों सिखा रहा है पढ़ा रहा है, करना चुपचाप जाके करना, मुझे क्यों बोल रहा है, जाकर तू जान बगला जाने। नहीं नहीं आप सोर्स लगाओगे तब ले, तुम्हारी माँ नहीं है क्या, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो। और अगर मुझे घसीट रहे हो तो भले सीधे हो जाओ, क्योंकि गुरु के साथ पहले शनि ही चलेगा, याद रखना। गुरु के साथ पहले कौन चलता है, शनि ही व्यक्ति को दुखी बना करके पीट पाट करके मंदिर में ठेलता है कि जा भैया अब तू। जब शनि चढ़ जाता है तो जो भी पत्थर को सिंदूर पोत के सड़क पर कहीं रख दो, वो पत्थर क्या बन जाता है, हनुमान जी। हर पत्थर तब क्या बनता है, हनुमान। और अगर शनि नहीं चढ़ा तो रियल हनुमान भी आपको है, सब पाखंड है बनकर, कुछ नहीं। ऐसे भी लोग चिल्लाते शनि होता है नहीं, शनि अब शनि है कि नहीं प्रमाण दे देगा कुछ है दिन, शनि शनि। तो आप प्रताड़ित होकर गुरु के पास आते हैं तो पहले सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हे भगवान हमने गलतियाँ की है। गुरु से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत, अपनी पोल खोलने की जरूरत नहीं है। खोल भी दो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं है। जाइए, हे भगवान मैंने गलतियाँ की हैं इसीलिए भोग रहा हूँ, लेकिन अब मैं सुधारने के लिए तैयार हो चुका हूँ। आप मुझे वो शक्ति दो कि मैं सारी लाखों जन्मों गलतियों काट के इसी जन्म खत्म कर दूँ, और शरीर छोड़ने से पहले मेरे साथ अगले जन्म के लिए कोई गलती नहीं जानी। ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसा संकल्प शिव का है कि तन मय मन शिव संकल्प मस्तु। और शिव भी कहते हैं शनि को तो मैंने बना दिया भाई, बना दिया कि अच्छी न्याय करते रहेंगे, मैं ध्यान में बैठा रहूँगा, मुझे डिस्टर्ब कोई करे नहीं, इसलिए शिव ने किसको खड़ा कर दिया, शनि। और शिव ने खड़ा करके खुद भी अपने आप को उस फेज में गुजारा शनि के दंड से, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि शनि उनको दंड देंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए आप लोग मुस्कराइए, शनि का ज्ञान मैंने दिया। जिनको शनि से सचमुच भय लगता हो, भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि केवल एक ही चीज़ चाहता है कि आप बिल्कुल निष्पाप बन जाओ। गलती हुई हुई, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे शनि आपके सारे कर्म को दोष को काट देंगे। पर हर चीज़ में समय लगता है, क्योंकि 10-5 साल शनि ऑब्जर्व करेंगे, झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर आपने कहा कि ठीक है जी अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, तो मत पियो। अब लोग 35 बोलेंगे देख मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, इधर उधर नहीं जाऊँगा, अड्डे पे नहीं जाऊँगा, फिर भी चोरी चले जा रहे हैं, और घर में घुसने से पहले पान खा लेंगे, बासना पर पकड़े नहीं जाऊँ। अब बोले क्या थे, तेरी कसम, तो शनि उसको छोड़ेगा कि सताएगा। आप जो वचन दें उसको निभाएं, शनिदेव यही चाहते हैं। बोलिए बगला माई की। और ये पुस्तक अवश्य ले जाएं, पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं, समझाएं। आज छुइए नहीं मुझे दुश्मन, मैं विमल मिश्रा जी को जरा 10 मिनट के लिए। ये गुरुदेव जी के चरणों में सादर वंदना करते हुए जो भी निवेदन है वो मैं करना चाहता हूँ। मैं गुरु जी के आज से नहीं, लगभग 17-18 साल से इनके संपर्क में हूँ, आज से नहीं 17-18 साल में। और मैं नवभारत में
मेन सीनियर पत्रकार था। अब 12 साल तक मैंने धर्माध्यात्म का कालम लिखा और भारत का कोई ऐसा साधु कोई ऐसा संत नहीं है जिसके कि मैं संपर्क में ना आया हूँ। ज्ञान की मैंने बड़ी लंबी लंबी बातें सुनी, बड़े लंबे लंबे श्लोक सुने और कुछ तो ऐसा बोलते थे कि लगता था कि साक्षात बृहस्पति की आत्मा ही इनके अंदर प्रवेश कर गई है। लेकिन मैं सच बताऊं कि इतने सारे साधु संतों से मिलने के बाद भी मालूम नहीं अंदर से संतोष नहीं होता था। आता था इनके पास आता था, बात करने का ढंग गुरुजी आप देखते हैं कि इनके बातों में आपको कहीं लंबे चौड़े श्लोक नहीं मिलेंगे। अच्छा, जहाँ लोग बाग लंबे चौड़े श्लोक बोलते हैं ना और कुछ बोलते हैं तो वहाँ तो इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है, बाप रे बाप, इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है कि कुछ। अच्छा, रीजन उसका ये पड़ता है कि साधारण सिंपल बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं, उसको अपने जीवन में कुछ ना कुछ उत्पाद चाहिए। उत्पाद कैसा? अगर गुरुजी बताएं, थोड़ा इधर बताएं, थोड़ा उधर बताएं तो अरे वाह, वो बहुत अच्छे गुरुजी। धार्मिक होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए जो मैंने गुरुजी से सीखा, सिंपल, सरल, सहज, इतना मन में गांठें भरी हुई हैं, इतना मन में गांठें भरी हुई हैं। आदमी सब कुछ हो सकता है लेकिन सिंपल होना, सरल होना, सहज होना वो उसके स्वभाव में नहीं है। इसीलिए जब गुरुजी बोलते हैं तो लोग सुधरे, यार ये क्या प्रवचन करते हैं, ये तो आम आदमी की तरह बात करते हैं, हमारे जैसा बात करते हैं, इस रास को आप लोग नहीं समझ पाओगे। जितने भी गुरु की श्रेणी तक जो है, जो मैंने सीखा है इतने पीरियड में, जो लोग हैं उनके पास तुम साधारण सिंपल बातें ही पाओगे, उनके पास तुम गुरुडमवाद नहीं पाओगे कि उनके पास तुम गुरुडमवाद पाओ। और हम तो कई बार गए और कुछ चीज़ें मैंने गुरुजी के उसमें देखी कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी, विश्वास ही नहीं होता था कि ये होगा। वो अमेरिका का चुनाव चल रहा था, उसका तो ये हुआ कि भाई थोड़ा सा जाकर के गुरुजी से पूछे, और ये पूरा था कि अगर हम उनसे पूछेंगे तो कुछ इधर उधर का न देखते हुए बोला, अच्छा ये बिल क्लिंटन टाई कौन सी लगाता है? बोले नीली टाई लगाता है, बन जाएगा। अब हमें डर लग रहा था कि साला छापें कि ना छापें, मान लो अगर ना बना है तो वो एक हो जाएगा। ये हमसे बोले कि जाकर के तुम छाप दो, बन जाएगा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी छापने की। अगले दिन साला बने गया जो है, अगले दिन रिजल्ट आ ही गया। इस तरह की मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण बता सकता हूँ और ये सौभाग्य है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव तो गुरु जी के साथ कहे। इसी तरह एक बार ऐसी हुई थी कि कुछ ऐसा संकट आने वाला है, सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लोग मुंबई छोड़ छोड़ करके भागने लगे थे, त्राहिमाम मच गई थी। तब मैं आया गुरुजी के पास, मैंने कहा कि ये बताइए गुरुजी कि क्या ये सत्य है? बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, दो मिनट में बता दिया और वैसा कुछ नहीं है। और हमने इनकी पूरी जो भविष्यवाणी है उसको छापी भी, अच्छे ढंग से छापी। तो ये सौभाग्य है। हमारे महावीर की कुछ इच्छा थी, जैसे आपने कहा कि आप गुरुजी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, पुराना आश्रम वहां पे था, तो गुरुजी ने कैसे वो बिल्ड किया, आप भी कैसे गुरुजी के साथ में थे, क्या-क्या अनुभव हुआ? भाई देखो, मैं अनुभव की बात बताऊं, जब मैं यहाँ आया था पूरा धान की खेती थी, यहाँ कुछ नहीं था। अब ये जब इन्होंने कहा कि नहीं वहाँ आश्रम बनाना है, हम आए यहाँ पर आकर के, हम थे गुरुजी थे, एक नव भारत टाइम्स की वो थी मीरा जैन, हमें भी ऐसा नहीं लग रहा था अंदर अंदर कि, हमने सोचा कि कहाँ गुरुजी एक है। उस समय की बात, जबकि मीरा रोड डेवलप नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है,
तब गुरुजी ने कहा था कि ये मीरा भयंदर ये इतना डेवलप होगा कि जिसका कि तुमको अंदाजा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता था, यहाँ धान की खेती होती थी, दूर दूर तक कुछ नहीं था। आगे और पूछो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, यहाँ योगदान वाली बात है तो रियल में पूछो तो मेरा जो है शरीर के साथ आकर के यहाँ कोई योगदान नहीं रहा, आकर के प्रणाम करके चला जाता था। मैं समझा नहीं पूरी बात आपकी। हाँ, नहीं, प्रचार प्रसार उसको हमने बाकायदे पेपर में दिया, अच्छे ढंग से पेपर में दिया, और जितने भी गुरुजी के बड़े बड़े जो है मतलब कार्यक्रम हुए, हमने उसको अपने हिसाब से हाईलाइट किया। और कुछ? देखो मैं एक घटना बता देता हूँ, विमल जी को याद नहीं। अरे काहे गुरु जी सब बता दे जा रहे हैं, बहुत विमल जी मुझे बहुत पहले मिले थे, तब मैं गुरु पद पे नहीं था। पहली बार ये मेरे पास आए थे, एक मुंबई में बहुत दिनों पहले हाकार मचा रहा थी, योग आ रहा है, बम्बई डूब जाएगी और लोग भागने लगे, तारीख वारे के लोगों ने डिक्लेयर कर दी थी, तो सब लोग बम्बई पलायन हो रहा था। उस टाइम ये मेरे पास आए, ऐसे ही इंक्वायरी, बस कोई परिचय तो नहीं था, अरे मेरे घर में आए, तो मैं तो कहीं से गुरुजी तो दिखता नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा है, मैंने कहा ये सब कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, छाप दो बिंदास कि कोई ऐसा नहीं होने वाला जैसा लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इन्होंने उसको छाप तो दिया, लेकिन बड़े डरते डरते छापे, क्योंकि अगर हो गया तब वो पहले हमारी इनकी मुलाकात थी। उसके बाद इनको भी लगा होगा कि भाई नहीं कुछ तो है, फिर ये आते रहे, मिलते रहे, बहुत कुछ ज्ञान होता रहा। और जब हम लोगों ने मीरा भाईंदर में जब आश्रम शुरू किया, तब तो मीरा भाईंदर नहीं था, मीरा रोड ही था। एक सेकंड, तो जब प्रथम हम लोग वहाँ पे गाड़ने लगे, एक छोटा सा त्रिशूल था, त्रिशूल क्या था, खिल्ला जैसा कुछ लोहे का पीस था। हमने कहा देखो ये बगला पीठ है, ये बगला पीठ का त्रिशूल है, और उसी हमारी गोमुखी थी ये, जिसमें हम लोग माला जपते हैं ना, मैंने कहा ये बगला का झंडा उसे डाल दिया, तो ये उसमें थे। और उस टाइम के सारे फोटो में ये हैं, पत्रकार तो थे। और इन्होंने कहा गुरुजी आपको कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा कि मुझे मेरे देवताओं पर, मेरे गुरुओं पर कॉन्फिडेंस है। बोले बगला माई की जय, तो हमारा इनका बड़ा पुराना परिचय है, बगला माई की जय हो। और जो नवभारत और नवभारत टाइम, दो अखबार हैं हिंदी के, ये नवभारत में 12-13 साल सीनियर पत्रकार थे, धर्म का ही कालम लिखते थे। ठीक है, जाएगा, गुड बाय। श्री राजराजेश्वरी भगवती बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठाभ्यंतरे विरोधकृत नाम संवत्सरे मासोत्तमे उत्तमे मासे महामांगल्यप्रदे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ भौमवासरे दिने शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां सकल सात सुतिय स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः चांडिल गोत्रोत्पन्ना श्रीमान पंडित रणजीत शरणः स पुत्र स्त्री परिवार से शिष्यस्य तस्य प्रतिनिधित्वेन अपना गोत्र हम आप लोग स्मरण कर लें। अंतर्गत श्री श्याम सदा शिवोपरि
सत्सपुटैलस्य रुद्रसूक्तमन्त्रेण अभिषेकम् अहम् करिष्ये। तत्र निर्विशेषता सिद्ध गणेशान विग्रह पंचोपचार मानसिक पूजनम च अहम् करिष्ये। ॐ जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तशतधैवेति दूरङ्गमम ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमारा संकल्प सब से प्रेरित हो, हम सबके लिए कल्याणकारी हो। भगवान गणेश और गौरी का मानसिक पूजन। हरि ओम मंगलानां प्रजय पदुम भवामहे प्रियाणां पापिय पदुम भवामहे निधीनां पाणि पदुम भवामहे यशोमन अहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा अम्बेम्बिके अम्बालिके नमामि यत्तस्मा सत्त्वकाय सुवत्तिकां काम्पीलवासरीम् श्री गणेशाम्बिके नमः। सांगाय च परिवाराय च आयुधाय च सत्तिकाय च वाहनाय लम् पृथ्वी तत्त्वात्मकं गन्धं समर्पयामि नमः। हम आकाश तत्त्वात्मकं पुष्पं समर्पयामि नमः। यम वायु तत्त्वात्मकं धूपं ग्राह्याय च सत्तिकाय च वाहनाय लम् पृथ्वी तत्त्वात्मकं गन्धं समर्पयामि नमः। हम आकाश तत्त्वात्मकं पुष्पं समर्पयामि नमः। यम वायु तत्त्वात्मकं धूपं ग्राह्याय च अभिषेकपर्यन्तं सर्वोपचारार्थे हम कोटि नमस्कार समर्पयामि नमः। भगवान को श्रद्धा से विश्वास से प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा पहले और नमो सुसर्पे पेवे के चे पृथ्वी मन एक अंतरिक्षे एक जीवते जय सर्पे यो नमः। अब भगवान प्रणाम कर धारा चल रही है, धारा प्रारंभ है। हरि ओम मंगलानां गणपतिं भवामहे प्रियाणां प्रियपतिं भवामहे निधीनां निधिपतिं भवामहे वशोमन अहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा अम्बेम्बिके अम्बालिके नमामि यत्कश्चन सत्त्वकः सुवत्तिकां काम्पीलवासिनीम् गायत्री तिष्ठतिकतनिष्ठो पञ्चाशाभ्यस्तीहमचतुर्विशं कृत्वा दिवदाया चतुष्पदा त्रिपदाया चोपासा सन्दत आवता सा प्रमाणिकया सत्तदेव्याः पूर्वेका पंतामन विष्ट धीरा अन्वाले भिरो रत्नेन रस्मिन्ना जजाक्रतो दूरमुदायति दैवं तदुसुप्त सदथै भेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यम्बाहों के मोरुपा दाहुं चेते ब्राह्मणों के मतासे बाहुं चासे दाजम गिरिश्म इजबान शरत्था भी ही सत्तस्या समिपरे धयास्त्री सप्त समिधायकता देवा यज्ञ तन्माना अभुक्त पुरुषों का यम्बाहुं ने करो पन्नम पयोरे तो अस्मा सुधता तर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारम हिंद्रारम सदारम संविद्यारम आवाहन जानामि न जानामि तवार्थम पूजा न जानामि सत्यनाथ परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठ यत् पूज्यम मे आदेव परिपूर्णम तदस्मे। थोड़े समय थोड़ी श्रद्धा सामग्री विवेक में जो हमने किया है उसे पूर्ण मानकर हमें पूर्ण फल प्रदान करिए, ऐसा भावना करिए। मैं मंत्रों के धारावाहिक करता हूँ प्रमादा कुरुताम कर्म प्रत्येदा हृदय अस्मरा तत्व सुसंपूर्ण आचार विशुद्धि यश विचार नामुक्ता तो पैठ
व्यासनुम संपूर्ण तामसे सत्वमते तमचतम तीन बार कहिए ओम सर्वे नमः ओम सर्वे नमः ओम शांति 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 र भवतु तिजलिंति चम्मत में अनेन सर आप लोग अनेन सर्वत करें अनेन सर्वत करें अभिषेक करना अनेन सर्व देवता सहित श्री भगवान शंकर महारुद्र प्रियताम नमो सदा शिवाय परमस्तु भोलिसी का घरोजी महाराज की जय भोली परम पूज्य गुरुदेव की जय चलिए आज शनि जयंती हम सभी शनि भगवान का पट्टे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं कि कार्यों के जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो पटाखे जी आइए एकदम सच्ची हैप्पी बर्थडे पर ज्यादा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है चलो आप लोग थोड़ा ढोल पे दबाए सबसे बड़ा दान होता है और शनि को दान बहुत ज्यादा प्रिय है और शनि को उस दान में सबसे ज्यादा प्रिय वो दान है जो उन्हीं से संबंधित हो यानी उनके साहित्य का उनके ज्ञान का दान। तो आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप लोग घर जाने से पहले एक चीज ध्यान रखें ये जो शनि भगवान की जो पुस्तिका है छोटी पुस्तक जो गुरुदेव द्वारा लिखित है आप लोग इस पुस्तक को अवश्य प्राप्त करें और आठ आठ पुस्तक आप लोग प्राप्त करें क्योंकि आठ पुस्तक आठ साहित्य आप प्राप्त करके आठ लोगों को जब दान देंगे ये पुस्तक तो निश्चित रूप से शनि भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा ऐसा गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग इस पुस्तक को प्राप्त कर दान करना ना भूलें। सभी के हाथ ऊपर और तालियों के साथ इस गीत को गाते हुए स्वर्ग जय सिंह दर्शना संबे प्रतिम भोषणे
व्यातं किं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत् मध्ये सुधाति मणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतं परिपीतवर्णां कर्णमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि ऋतमुदगरवैरिजीवां मातर्भैरवि भद्रकाली विजये वाराहि वेश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे मातङ्गे त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय पूजनीय माता जी की जय परम पूज्य गुरुदेव राजन स्वामी दिव्यचेतनानंद जी महाराज की जय बाबा भूतनाथ की जय सिद्धाश्रम की जय बगलामुखी माता की जय शनिदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय काल भैरव जी महाराज की जय मंगलनाथ जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव देवी ने करे सन्मान तहिके कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु अनज हमारी जन के कार्य विलंबन की जय आतुर जोरी महाजुगती जय श्रीपुर सिंधु परिपारा सुरसा भजन फैट विस्तार आगे जाय लंग दी दोगा मार उलाद गए सुर लोगा जाय विभीषण को दुगड़ी सीता निर्मी परम पत्री ना बाग उजार सिंधु बाबोरा अधिया दुर्ज मगातर लोगा सुकुमार कुमार सुकाया दूर पीत संग बोजा जय जय दुर दुर गुरु मैं भई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो गुरु अंतरिया जय जय लगन प्राण के दादा आदुर गुरु गुरु करो निपाता जय गिर जय 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 सुगदागर सुर समूह समरज मठ नाग ओ मनु हनु 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 मंत्र हरि रे भैरी मारु पंच की कला पंच लय भैरी मारु मारा चौ दास उमार ओंकार ओंकार महाप्रभु धावो पंच गदा हनु विलंब न लाव ओम रे 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 हनुमंत कबीरा ओम हम हम हनु वरि उदीता सत हो हर सब पाए गे राम दूत धर मार जाए जय 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 हनुमंत यगारा दुर्गा पंच जय के यमदाता बोला जब लब ने मलकारा नहीं जानत हो जानो भवन मग गई मन माही तुम्हरे मल हम दरपत नाही पाए परु कर जोई मनावो ये अवसर अब गई बोलावो जय अंजनि कुमार बलवंता नगर सुवर तीर हनुमंता बदन कराल काल मूल कारक राम सहाय सदा प्रतिपाल भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विदाल काल मारी इने मार कवि सब राम की राघो नाथ मर्याद नाम की जनक सुधा हरि राज का ताके शपथ विलंब न लावो जय 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 गुरु हो तो सुमिरत हो जद सतगुना चरण शरण कर जोरी मनावो यही अवसर अब के गो राम उठ उठ चल दो राम दुहाई पाए भरु कर जोरी मनाई ओ जम 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 बल जलंदा ओ हन भरु 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 मन ओ हन हन भाग देत कभी चंचल ओ सन सन सहमी पराने भगत अपने जन को तुरत युमारो सुमिरत हो यानंद हमार या बजरंग बाल जी मारे ताही कहो फिर कौन युमारे बाढ़ करे बजरंग बाल हनुमत रक्षा करे प्राण को या बाण जो जात के तन नहीं रहे कलेशा प्रेम बजे दी कभी बजे सदा धरे उर ध्यान तेई के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सियावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कुलो भाई सब संतन की जय किसे
है मुंबई सादा पूरी सादा पूरी है खट भेजने